हेलो एवरीवन, आजकल हम टीवी शोज, पेपर्स, फिल्म लाइंस, हर जगह हिपोक्रेसी वर्ड काफी सुन रहे हैं। हम कहते हैं वो हिपोक्रेट है, हिपोक्रेसी है। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि हिपोक्रेसी होता क्या है। हिपोक्रेसी वैसे बेसिकली हिपोक्रेसिस जो ग्रीक वर्ड है वहां से आया है। ग्रीक में क्या था, जो लोग एक्टिंग करते थे, एक्टिंग करते वक्त उनको हम कहते थे कि हिपोक्रेसीज है। हिपोक्रेसीज में डबल फेस पर्सन को हिपोक्रेसीज कहती हैं। डबल फेस का क्या है, मतलब वो रियल लाइफ में और होते थे, किरदार जब जिस चीज का किरदार निभाते हैं उसमें और हो जाते हैं, तो उनको हिपोक्रेसीज कहते थे। इनको हम हिंदी में अगर बोल रहे हैं, हिंदी में हम बोलते हैं कि छल, कपट, पखंड। अगर हम इसको उर्दू में बोलना चाहें, इसको उर्दू में बोलेंगे हम फ्रेब, मकार, मुनाफिक। इंग्लिश में हम इसको डबल फेस पर्सन कहते हैं। अगर हम किसी को कहते हैं कि ये बंदा हिपोक्रेट है, इसका मतलब वो डबल फेस पर्सन है, वो कपटी बंदा है, वो मकार मकार है, वो पखंडी है। समटाइम कई लोग धार्मिक टाइप के लोग होते हैं, वो कहते हैं कि आपने शराब नहीं पीनी, आपने गलत काम नहीं करना, लेकिन अपनी रियल लाइफ में वो सबसे ज्यादा गलत काम करते हैं। कई लोग कहते हैं कि आपने फॉरेन प्रोडक्ट्स नहीं यूज करने, लेकिन उनके घर फॉरेन प्रोडक्ट से भरे पड़ते हैं। कई लोग दूसरों को इंटॉलरेंट बोलते हैं कि ये आप इंटॉलरेंट है, लेकिन जब कोई दूसरा उनको क्रिटिसाइज करता है या अपने पॉइंट ऑफ व्यू सुनाना चाहता है, तो उनको वो पॉइंट ऑफ व्यू सुनने भी कोई तैयार नहीं है। जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, कई बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो हर टाइम कहते रहेंगे कि इंग्लिश नहीं बोलनी, हिंदी का प्रयोग करो, अपनी मातृभाषा का प्रयोग करो या अपनी स्टेट लैंग्वेज का प्रयोग करो। लेकिन उनके बच्चे, ज्यादा ज्यादातर लीडर्स के बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, फॉरेन कंट्रीज के स्कूल में पढ़ते हैं। वो घर में बाहर जब भी बोलेंगे, वो कहेंगे कि पर्दा चाहिए, हर लेडी के पर्दे पर्दे में हो, लेकिन उनकी अपनी लेडीज फॉरेन कंट्री में जाती हैं बिना पर्दे के। तो ये डबल स्टैंडर्ड है, इसको हम हिपोक्रेसी कहते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियोस अपलोड कर सकूं। थैंक यू।